हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। हम बात करेंगे दोस्तों नीट पेपर लीक के बारे में, ठीक है। अब इसमें 67 स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आए हैं, एक तो ये है इशू। दूसरा इशू ये है कि 720 में से 720 आए हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने सुना होगा कि एक ही सेंटर से 8 बच्चों ने टॉप कर दिया। ये सब चीज़ें कैसे हो सकती है, परमोटेशन कम्बिनेशन की हम बातें करेंगे, पेपर लीक वाकई में हुआ है कि नहीं हुआ है, उससे क्या क्या पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, एक एक के बहुत बेसिक से मैं बहुत ही छोटी वीडियो रख के आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, समझते हैं कि नीट व्हाट इज नीट, नीट यूजी क्या है, ठीक है। तो इसको अगर फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, हम बोलते हैं इसको नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, राइट। अब इसके थ्रू आप क्या बनते हो ये थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। जैसे आप लोग IIT का पेपर दोगे तो आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हो, IIT NIT में, राइट। तो ऐसे जब आपको डॉक्टर्स बनना होता है तो डॉक्टर, देखो डॉक्टर कई टाइप के होते हैं ना, तो जब आपको डॉक्टर बनना होता है तो आप ये नीट का पेपर देते हो, ठीक है। इसमें जो रैंक आती है उसके हिसाब से आपको कॉलेजेस मिलते हैं। तो लगभग इस साल जो भरे थे लगभग 24 लाख के आसपास बच्चों ने भरा था, और पूरी इंडिया की बात करें लगभग 540 कॉलेज है मेडिकल की, और इसमें 80,000 प्लस क्या है MBBS की सीटें हैं, ठीक है। इसके थ्रू आप क्या क्या बनते हैं, आप देखो एक तो MBBS करते हैं, ठीक है, जिसको हम बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर सर्जरी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं MBBS। इसके अलावा आप दोस्तों BAMS का नाम सुना होगा, है ना, BAMS का नाम सुना होगा। इसके अलावा आपको एक BDS सुना होगा, ठीक है, बैचलर इन, इसमें बोलते हैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बोलते हैं, ठीक है। BAMS आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, है ना, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा एंड मेडिकल एंड सर्जरी हम बोलते हैं, राइट। तो BSAMS ऐसे कई सारे होते हैं, वो आपको जाने को नहीं है, सिंपल से मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, उससे आप क्या बनते हो, डॉक्टर बनते हो इसके थ्रू। जैसे आप JEE वगैरह का देके आप इंजीनियर्स बनते हो, IIT NIT में एडमिशन लेते हो, ऐसे ही आप नीट का पेपर देके डॉक्टर्स बनते हो, इतना ही समझिए। बेसिक बेसिक समझते हैं, बहुत इसके इसमें नहीं जाते हैं। अभी टेस्ट कौन कराता है दोस्तों, ये कराता है एग्जाम NTA, है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, इसको हम NTA बोलते हैं। अब ये तो आपने बेसिक समझ लिया, इसको हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। अब मामला क्या है, मामला समझते हैं। देखो मामला ये है, मामला ये है दोस्तों कि एक ही सेंटर से 8 टॉपर हुए। पहला मामला ये आया, झज्जर एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, वहाँ के दोस्तों एक सेंटर से 8 टॉपर आए। 8 टॉपर का मतलब है कि 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 720 में से 720 नंबर आए हैं, है ना, आउट ऑफ 720 नंबर आ गए। प्लस दूसरा इशू क्या है कि AIR 1, मतलब रैंक 1 जो आई है वो 67 स्टूडेंट्स का है। इसका कहने का मतलब क्या है कि 67 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 720 में से 720 नंबर मिले हैं, राइट। एक तो ये दिक्कत है, दूसरा 715 से ज़्यादा जो नंबर मिला है, आप सोच के देखो कि NTA का एग्जाम ऐसा नहीं कि बहुत ईजी था, है ना, नीट का बहुत ईजी तो पेपर नहीं है। NTA ने भले जवाब में दे दिया कि बहुत ईजी लग रहा था, मॉडरेट हमने बनाया था, बट उतना भी ईजी नहीं था। इतने नंबर आना, मतलब सोचो आप 720 में 720, एक का आना, दो का आना, इवन 10 तक का भी आना आश्चर्य नहीं होता, लेकिन 67 का आना अपने आप में बड़ी आश्चर्य की बात है। प्लस 715 नंबर से जो ज़्यादा मार्क्स आए हैं वो दोस्तों 300 प्लस बच्चों के आ गए। अब आप एम्स में आओ तो लगभग हमें जहाँ तक क्या था 44 के आसपास सीटें, 40-44 सीटें ही हैं। सोचो आप 67 बच्चों में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको यहाँ पे सीटें ही नहीं मिलेंगी, है ना, MBBS की सीटें नहीं मिल पाएंगी, तो वो भी किसी हो जाएगा। दूसरा अब ये 718 और 719 नंबर भी बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं, अब ये क्या वाला है इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये 718 719 पे भी क्यों बात हो रही है, ठीक है। इससे पहले देखो मैं आपको एग्जाम का पैटर्न समझाता हूँ, एग्जाम का पैटर्न क्या है, फिर उसके बाद हम आएंगे टॉपर्स की बातों पे, है ना। देखो एग्जाम का पैटर्न ये होता है कि 180 क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है, 180 क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन होता है ईच 4 नंबर का। तो इस हिसाब से देखोगे तो 180 × 4 720 मार्क्स होते हैं, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है, नेगेटिव मार्किंग का दोस्तों मतलब ये है कि अगर अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 4। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसका आपको एक नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी मैं आपको गणित समझाता हूँ, यहाँ पे देखो आपने 180 क्वेश्चन सही किया, ठीक है, आपको कितने मिल गए, 4 नंबर मिल गए, राइट। अब आप देखो 180 × 4 720 हो जाता है, ठीक। अब मैं एक कंडीशन, आइडियल कंडीशन ये लेके चलता हूँ कि मान लेता हूँ कि आपने 179 क्वेश्चन सॉल्व किए और एक क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, तो उसमें अगर 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 716, है ना। तो या तो आपके 720 नंबर आने चाहिए थे या तो आपके 716 नंबर आने चाहिए। अब ये 718 कैसे आ गया या 719 कैसे आ गया, है ना, एक मुद्दा ये होगा। अच्छा, कई बार ये है कि NTA ने कह दिया कि कई बार हम लोग गेस मार्क देते हैं, ठीक है,
अब ये कैसे दे देते हैं, ये जब बहुत एग्जाम लेट हो जाता है या 10-15 मिनट हमने लेट एग्जाम कराया तो हम बच्चों को नंबर दे देते हैं, बट ये आप सही एक एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, है ना, कि आपने 2 नंबर 3 नंबर कैसे दे दिया। देना है तो उसमें इंक्लूड करके देना चाहिए कि इस बच्चों को इतना नंबर एक्स्ट्रा दिया जा रहा है लेट होने की वजह से, जो भी रहे, है ना। बट मुद्दा ये कि आपका आया कैसे, 718 कैसे आ सकता है, 719 आ सकता है। अगर कोई बच्चा लेट था वो ऑलरेडी दोस्तों, मतलब सोच के आप देखो, वो 716 नंबर ले आ दिया, अगर मान लेता हूँ मैं 179 किया होगा, तो आपने 2 नंबर कैसे दे दिए जब वो ऑलरेडी 716 ला रहा है, तो है ना। ये थोड़ा सा एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाएगा, पहले हम इसके बेसिक को समझते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, आपने 180 क्वेश्चन सही किया आपने, ठीक है, 4 नंबर के हिसाब से 720 मिल गए। आपने 179 सही किया, 4 नंबर के हिसाब से आपको 716 मिल गए। मान लेते हैं आपने 180 अटेम्प्ट किया था, है ना, बट आपका क्वेश्चन गलत हो गया, तो 179 सही हुआ, 4 नंबर के हिसाब से, 4 नंबर के हिसाब से 716 मिला। एक क्वेश्चन आपने गलत किया था उसका 1 नंबर कटेगा, है ना, क्योंकि 4 नंबर मिलता है, 1 नंबर माइनस होता है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया, अगर गलत करेंगे तो। इस हिसाब से आपका 715 बनता है, तो या तो आपके नंबर आने चाहिए थे 715, या तो आने चाहिए थे 716, या तो आने चाहिए 720, बट ये 717 नहीं आ सकता, 718 नहीं आ सकता, 719 नंबर नहीं आ सकता। बहुत सारे बच्चों हैं जिनका 718 भी आया है, 719 भी आया है, ठीक है। वो भी कहाँ से हैं, वो भी झज्जर में एक सेंटर है, उसी सेंटर से आए हैं, 718 भी झज्जर वाले सेंटर से आया है, 719 भी झज्जर वाले सेंटर से आया है। झज्जर एक हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहीं से आया। अब मामला समझते हैं, देखो मैंने जस्ट अभी कुछ देर पहले आपको मैंने बताया, ठीक है। एक तो ये 715 से ज़्यादा 300+ स्टूडेंट आए, पहला एक इशू आ जाता है। दूसरा, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और समझाता हूँ, है ना, यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। देखो एक सेंटर से ही बहुत सारे बच्चे हैं, इसका प्रूफ क्या है, मैं आपको रोल नंबर ही लिख देता हूँ, आप रोल नंबर लिखता हूँ, जिससे क्या आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि आप, अगर आपको डिटेल मिले तो आप चेक करिएगा, क्रॉस वेरीफाई करिएगा मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। कुछ के रोल नंबर है मेरे पास, मैं आपको जस्ट रोल नंबर ही नोट कर दे रहा हूँ इनके, ठीक है। देखिए एक बच्चे का आया है 64, जिसका रैंक है ना 62 रैंक है, ठीक है। जो 62 रैंक है उसका आपका रोल नंबर बता रहा हूँ, 62 वाले का मैं बता रहा हूँ। इसका है 230 70 10 168, ठीक। इसके अलावा 63 वाले का कितना है, सेम है 230 70 10 333। अभी 168 है, ये 333 है इनका, या तो एक 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 ही कॉलेज सेंटर है, या तो एक रूम में रहा होगा, या तो अगल बगल वाले रूम में रहा होगा, ठीक है। फिर एक बच्चा है जिसका नाम 64 है, 65 है, 66 है, 67, 67 तो अलग था, ठीक है। अब 64 की बात बताता हूँ, इसका भी यही है 230 70 10, इसका 403 है। अब ये दोनों एक रूम में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, है ना। इसके अलावा देखो 230 70 10, 178 है। अभी 178 ये वाला देखो, 168 देखो, ये तो आसपास हो सकते हैं, ये दोनों बहुत पास पास है, ये पास पास हो सकते हैं, या हो सकता है सबका एक रूम में ही हो, बड़ा रूम रहेगा तो एक एक ही रूम में हो सकता है ना, है ना। ऐसे ही दोस्तों एक एक बच्चे का 186 लास्ट में है, तो आप देखो 178 186 पास पास हो गए कि नहीं हो गए। एक बच्चे का 198 है, तो क्या सारे टॉपर एक ही पास बैठ गए थे, 198 रोल नंबर, 186 रोल नंबर, 178 नंबर, 168 नंबर। आप देखो 10 10 नंबर, 10 रैंक का डिफरेंट, 10 रोल नंबर का डिफरेंस है दोस्तों। इसका लास्ट में 168 है, इसका लास्ट में 178 है, इसका लास्ट में 186 है, इसका लास्ट में 198 है। आप सोच के देखो कितने लोग इसके बीच में आ जाएंगे, महज 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 अगर मैं 168 से भी देखूं तो आपको 32 30 लोग आ रहे हैं, 30 बच्चों में से 4 टॉपर हो गए, और एग्जाम कितने लोग दे रहे हैं, इतने। अब ये बेसिकली बहुत रेयर हो जा रहा है केस, है ना, तो इसको जांच तो होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। अच्छा इसके अलावा एक और केस हुआ, जब 4 मई को पेपर हुआ तो इसमें ये हुआ था कि पटना में पेपर लीक की बात आई थी, कई लोग को गिरफ्तार भी किया गया था, उस पर FIR भी दर्ज हुआ था, बट उस पर NTA ने कह दिया कि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक मुद्दा है कि जब FIR दर्ज हुआ, ये सब हुआ, तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये रेयर है दोस्तों। रेयर क्यों है, देखो इतने ज्यादा टॉपर होना भी बहुत रेयर है, और मतलब इतने ज्यादा तो नहीं हो सकते हैं, मेरे हिसाब से भी नहीं हो सकते, कोई कितना भी पढ़ने में तेज हो। हाँ एक बच्चे को हो सकता है, 2 बच्चों को हो सकता है, 10 बच्चों तक का मैं मान सकता हूँ, लेकिन 67 सपने यहाँ पे बहुत है। अच्छा 715 पहले होता था, 720 एक दो बच्चे के आगे, उसके अलावा 715 तक में आपको 10 10 12 बच्चे मिलते थे। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप देखते थे पहले, तो आपको 715 से लेके 720 के बीच में ज्यादा से ज्यादा 100 बच्चे आते थे।
अब ये 300+ बच्चे आ जाना भी अपने आप में क्या है, चिंता के विषय है, चिंता की बात है। प्लस 67 स्टूडेंट के 720 नंबर आ गए, ये भी एक बड़ी बात है। पहले मतलब ये 50 से 100 के आसपास ही बच्चे होते थे, इससे ज्यादा नहीं होते थे, लेकिन अब देख रहे हो आप 720 हो जा रहे हैं 67 बच्चों के। प्लस एक ही सेंटर से 8 टॉपर कैसे हो सकते हैं। रोल नंबर मैंने दिखाया 30 बच्चों के अंदर में, 30 स्टूडेंट के अंदर में देखने आपने 4 से 5 टॉपर मिल गए आपको, मिले कि नहीं, 4 टॉपर थे, है ना। तो 4 बच्चे ऐसे जो 720 के 720 आ गए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मतलब आप कह रहे 24 लाख में कहीं पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे, एक ही सेंटर पे इतने सारे बच्चे आके पढ़ने वाले। अच्छा, इस सेंटर से और भी क्वालिफाइड हुए हैं, है ना। ये तो मैं आप बस टॉपर की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे हिसाब से भी मतलब एक बार तहकीकात होना चाहिए। देखो, बुरा इस बात का नहीं कि नकल हुआ, बुरा इस बात का है कि जिन बच्चों ने पढ़ाई किया उनके साथ बहुत बुरा हो गया, है ना। अच्छा, नकल हुआ ये भी बुरी बात है, बट सबसे ज्यादा बुरा क्या है कि जिन बच्चों ने बहुत दिन रात मेहनत की होगी, दोस्तों 4 4 5 5 8 8 साल लोग इसको देते हैं, मतलब एग्जाम को क्रैक करने के लिए, निकालने के लिए, अच्छे MBBS कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, एम्स में एडमिशन लेने के लिए, दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए। आप सोचो एम्स की सीटें लिमिटेड है, अब वहाँ पे टॉपर होकर भी आपको सीटें नहीं मिल सकती हैं, अब ये तो एक बहुत बड़ी विडंबना हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके बारे में था। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा इसको, ठीक है। और ऐसे वीडियो देखने देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।